मैं भांग और गांजा पीने वाला हूँ तो उसका जुगाड़ हो जाएगा इस वजह से मेरा। लीजिए महाराज। अरे ये हो जैसे ही पता लग जाता है तब बहुत सारी आ जाती है। हर दोस्तों हम आ गए हैं नागर घाट पे, मैया जी के दर्शन करने हैं। देखिए करिए, ये रहे मैया जी आज के क्या सदा के ही। और एक साधु है यहाँ पे अनुष्ठान कर रहे हैं। उन्होंने हमसे कुछ मांगा था प्रसादी के लिए, अनुष्ठान के बाद वाली प्रसादी, तो वो देने जा रहा हूँ मैं आज। और दर्शन भी हो गए मैया के। ये देखिए ये रहा सामान, और कुछ और भी है सामान उनके लिए, क्योंकि वो साधु चलते फिरते साधु हैं। आज अनुष्ठान के लिए यहाँ पे मैया के यहाँ पे रुके थे तब उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, इट्स ओके। और ये रहा जयमीन भट्ट जी के तरफ से, क्योंकि आज सुबह ही उन्होंने कुछ राशि दी थी, उस हिसाब से हमने कुछ सामान लिया है। तो जयमीन भट्ट जी आपके लिए आशीर्वाद मांगा जाएगा उनसे, जो साधु है उनसे, और मैया से भी। ऐसी ही सेवा करते रहिए। और जयमीन जी की तरफ से मछलियों के लिए खाना भी खिलाएंगे हम, उनके लिए भी लेके आ गया हूँ मैं, इस बैग में है देखिए। और चलिए डालते हैं मछलियों के लिए। मेरे को मछलियों के खाना खिलाने का बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। अब भी आइए, आनंद लीजिए। मुरमुरे मिलते हैं, चने मिलते हैं उनके लिए स्पेशल ऊपर, तो वो लेना है और मछलियों को आनंद से खिलाना है, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। और कुत्तों के लिए भी लेके आया हूँ, बिस्किट्स है, सिंपल बिस्किट कुत्तों को अच्छे लगते हैं। क्रीम वाले नहीं लेके आना है आपको, क्रीम वाले से क्या है उनके ना बाल झड़ जाते हैं, बाल उड़ जाते हैं उनके, ज़्यादा मीठा हो जाता है ना तब। और मीठा कभी भी नहीं देना, चाय पत्ती नहीं देना, चीनी भी नहीं देना कुत्तों को। हाँ, स्ट्रीट कुत्तों को क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, इस वजह से क्या होता है मीठा वो चल जाता है, एक दो बार चल जाता है, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं चलेगा उनको भी, क्योंकि स्किन प्रॉब्लम्स उनको हो जाते हैं और बाल उड़ जाते हैं उनके। हम यहीं पे मछलियों को खिलाते हैं। ये देखिए, मैं हर जगह अलग अलग जगह खिला देता, लेकिन यहाँ पे ऊपर से मछलियाँ दिखी मेरे को। ये देखिए इधर, चलिए यहीं पे बैठते हैं और खिलाते हैं इनको। अभी उनको नहीं पता कि मैं खाना दे रहा हूँ, जैसे ही पता लग जाता है तब बहुत सारी आ जाती है। अब देखो धीरे धीरे आएंगी, छोटी मछलियाँ होती है वो उनको नहीं पता लगता, बड़ी मछलियाँ जब खाने लग जाती हैं सब आ जाती फिर। अब धीरे धीरे आ रही है, दिख रहा है आपको, उधर आ गई आ गई आ गई। दोस्तों अब चलते हैं साधु जी के पास, उनको सामान सौंप देते हैं। और अभी एक बंदा बुला रहा था मुझे, उसको लगा मैं भांग और गांजा पीने वाला हूँ तो उसका जुगाड़ हो जाएगा, इस वजह से मेरे को बुला रहा था, लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि भांग और गांजा पीने वालों से तो मैं बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ। साधु संतों की बात अलग है, अब क्या बोले। हाँ, भांग और गांजा तो नहीं, लेकिन मदिरा, मदिरा पान का क्या होता है, जब हम पूजा करते हैं, जब भैरव जी का आवाहन होता है ना, तब उनके लिए प्रसाद रूप में मदिरा दी जाती है, वो प्रसाद रूप में हमें भी लेनी पड़ती है, मतलब ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, अगर जीभ पे भी रख ले तो भी बहुत है, लेकिन लेनी तो पड़ती है। देखिए उसके लिए मैं मना नहीं करता, लेकिन अपनी अपनी पूजा होती है, शैव संप्रदाय में ऐसा होता है अघोर में, तो ठीक है चलिए चलते हैं फिर। लीजिए महाराज। अरे ठीक है। और हाँ, एक नमक की पैकेट था, वो भी था ना। उन्होंने बोला था मेरा अनुष्ठान 10 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, मैं थोड़ा लेट हो गया। बेचारे यार काबुली चने खा रहे थे, वो सफ़ेद वाले नहीं होते, वो कच्चे चने खा रहे थे, वो खाने के नहीं होते कच्चे चने तो, और काबुली चने खाने के नहीं होते, काले चने खाने के होते, वो बेचारे लेट हो गया होगा इस वजह से, लेकिन अपन पहुँच गए, यही बहुत है। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो मैं यहाँ के बनाता हूँ, और यहाँ इसलिए बनाता हूँ क्योंकि ये शांति है और मेरे को अच्छा भी लगता है मैया के किनारे बनाते बनाते, और टाइम भी निकल जाता है। और रही बात,
आपको दूसरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, गुरु ज्ञान चैनल। उस पर भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत रिसर्च करके बनाता हूँ मैं उस पर वीडियो, तो आप देख लीजिए वो प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे जो परिक्रमा नई चालू करने वाले उनके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है, जो परिक्रमा करने वाले उनके लिए भी ज़रूरी है, नई या पुरानी जो भी है। गुरु ज्ञान चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप देख लीजिए गुरु ज्ञान चैनल का लिंक, से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। शाम तक हम जाएंगे 3-4 बजे तक, फिर 3-4 बजे तक क्या हो जाएगा, इनको इनको आज का हो गया है, इन साधु जी को आज का हो गया है, तो फिर अब मछलियों को खाना खिलाऊंगा शाम तक एक बार, और फिर मछलियों को खाना खिला के निकल जाएंगे हम अपने गांव, मतलब घर आश्रम में। चलिए चलते हैं, नर्मदे हर हर महादेव।